नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से प्रवीण मिश्रा की खास खबरों पर आई एक नजर डालते हैं। कुमारी प्रज्ञा श्रीवास्तव ने एक दिन की पुलिस अधीक्षक बनकर संभाली जिले की कमान। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दिनांक 24 जनवरी 2021 को जनपद में पुलिस विभाग की कमान पुलिस अधीक्षक बनकर कुमारी प्रज्ञा श्रीवास्तव ने संभाली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर हौसला प्रसाद व क्षेत्राधिकारी इकोना महेंद्र पाल शर्मा ने पुष्प गुष्प देकर ससम्मान चार्ज भार ग्रहण कराया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत सबसे पहले पुलिस कार्यालय में स्थापित सभी शाखाओं का भ्रमण कर नियुक्त कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर कार्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यालय में स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर पहुंचकर फरियादियों की समस्या सुनी गई। इस दौरान थाना कोतवाली भिंगा क्षेत्र से आए एक फरियादी की समस्या सुनकर त्वरित कार्रवाई हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भिंगा को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात महिला थाना व थाना कोतवाली भिंगा का निरीक्षण किया गया। जनपद की कानून व्यवस्था का जायजा लेने हेतु कई थानों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर हौसला प्रसाद मौजूद रहे, जिनके द्वारा कानून व्यवस्था से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कराई गई। शासन द्वारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शुरुआती दौर से ही उनका उत्साह बढ़ाना, जिससे आगे चलकर अपनी व समाज की जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सके और लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मेंटेन करने की आज पूरे दिन तो अच्छे से कोशिश करेंगे। अभी आपने महिला थाने का निरीक्षण किया है, क्या खामियां मिली है, क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा दिया गया है? खामियां तो कुछ नहीं, मुझे तो सही लग रहा है सब। मुझे ये अच्छा लगता है, हर एक चीज का पूरा रिकॉर्ड बना के रखा जाता है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हाई स्कूल की टॉपर कुमारी तेजस्वी सिंह बनी डीएम, सेकंड टॉपर कुमारी प्रज्ञा श्रीवास्तव को बनाया गया था एसपी। यूपी दिवस के अवसर पर जिले का अन्य जिलों प्रांतों एवं देशों के नाम रोशन एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं बालिकाओं और प्रतिभावान बच्चों को किया गया सम्मानित। महिला विकास, महिला किसान एवं युवाओं के विकास के लिए प्रदेश सरकार है प्रतिबद्ध, माननीय विधायक ने इस दौरान कहा। जिले के बाहर जिले का नाम रोशन करने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं से सीख लेकर बढ़ा जा सकता है आगे, ऐसा जिलाधिकारी ने कहा। ये सारे कार्यक्रम महिला बाल दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। इस दौरान माननीय विधायक और जिले की जो प्रतिष्ठित युवती और महिलाएं हैं वो कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। आपको बताते चले एक बार फिर कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हाई स्कूल के टॉपर कुमारी तेजस्वी सिंह को डीएम बनाया गया था और सेकंड टॉपर कुमारी प्रज्ञा श्रीवास्तव को एसपी बनाया गया।